कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। केजीएफ 2 की किन गलतियों से सीखना होगा डायरेक्टर? मार्वल यूनिवर्स बनाने के लिए क्या करना होगा? बॉलीवुड से क्या सीख सकते हैं प्रशांत नील? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। प्रशांत नील डायरेक्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में 14 अप्रैल को रिलीज कर चुके हैं, जो अब केजीएफ 3 के साथ चर्चा में बनी हुई है। पहले पार्ट की तरह इस फिल्म को भी बाल्टी भर भर कर लोगों का प्यार मिल रहा है और 4000 से ज्यादा स्क्रीन पाकर पहले ही दिन फिल्म ने सिर्फ हिंदी में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म में मार धाड़ कूट कूट कर भरा हुआ है, गाने को भी कुछ एक जगह सुनने को मिल रहा है और फिल्म में शोर भी भरपूर है जिससे आपके कान के पर्दे भी फटने की पूरी पूरी गुंजाइश है। वैसे पिक्चर पूरी साफ सुधरी है, मतलब कि कोई इंटीमेट सीन्स नहीं है। जी हाँ, मतलब पूरी फैमिली मिलकर ये फिल्म आराम से देख भी सकती है। लेकिन 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 फिल्म में कई जगह मनोरंजन के नाम पर कुछ सीन्स और कैरेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें देखकर निराशा होती है, जिन पर डायरेक्टर को केजीएफ 3 को हिट बनाने के लिए मन लगा कर काम करने की जरूरत है। जैसे कि केजीएफ चैप्टर 1 में कई सारे डॉन थे, गरुड़ा, कमल, एंड्रयूज, विराट, जॉन, राजेंद्र देसाई, शेट्टी, सूर्यवर्धन, गुरु पंडियन, मतलब कि हर सीन में हर एक नया विलेन। पूरे 2.5 घंटे में यही जगह जगह छाए भी हुए थे। पहले पार्ट में तो इनका रौब रुतबा समझ आ रहा था, फीलिंग आ रही थी कि भाई ये खतरनाक लोग हैं, रॉकी इनसे कैसे निपटेगा। लेकिन जब दूसरे पार्ट में विलन की यही टोली दोबारा देखने को मिली तो उनका वो रौब फीका नजर आया। शेट्टी और एंड्रयूज फिर भी कुछ हद तक अपने लुक से गिरते फिरते विलन गिरी दिखा रहे थे, लेकिन बाद में भी उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी। चैप्टर 2 में मेकर्स 2 नए विलन लेकर भी आए, एक अधीरा और दूसरा इनायत खलील, जिन्हें शुरू में देखकर लगा कि ये दोनों फिल्म में आग लगा देंगे, गदर काट देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब सुतली बम निकले। कुछ तो आपस में ही लड़ कट के मर गए और कुछ तो रॉकी ने ही खत्म कर दिया। बात तो तब बनती जब इनकी लड़ाई आमने सामने होती। फिल्म को मानो कान छांट करके बस रिलीज कर दिया था। तो अगर प्रशांत नील केजीएफ 3 को मार्वल यूनिवर्स बनाना चाहते हैं तो उन्हें उसी की तरह अपने विलन को इतना मजबूत करना होगा कि वो आखिरी तक अपनी परत दर परत खोलते रहें, क्योंकि जब कोई एक्टर विलन का किरदार करता है तो लोगों की उम्मीद उससे बढ़ जाती है कि वो हीरो से 10 कदम आगे ही होगा, बेशक हीरो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और अगर हम संजय दत्त की अग्निपथ वाले कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ऋतिक के सामने संजय डट के खड़े थे। तो बेशक साउथ की फिल्म हिट हो रही है, लेकिन उन्हें बॉलीवुड से विलन से कुछ सीखने की जरूरत है। बता दें केजीएफ 3 में अगर प्रशांत नील विलन पर काम करते हैं तो बेशक ये एक अच्छी सुपर फ्रेंचाइजी निकाल कर सामने ही आएगी। बता दें केजीएफ 3 की शूटिंग अक्टूबर 2022 से की जाने वाली है, तो फिर आप इस सुपर फ्रेंचाइजी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? कि आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ।